डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी आई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में डिफ्रेंसिएशन या फिर डेरिवेटिव। अपना चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं हम, मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं डिफ्रेंसिएशन, या उसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें अपने को समझनी है। लाइक सपोज दैट अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज टाइम है या फिर कोई डिस्टेंस है। तो मान लो डिस्टेंस की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 50 मीटर। कुछ टाइम बाद कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है 80 मीटर। तो इस केस में हम बोलेंगे जो चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस, उसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। दैट विल बी x2 - x1, मतलब फाइनल डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिस्टेंस। दैट इज 80 - 50, दैट इज 30 मीटर। तो यहाँ पे देखना ये है कि देखो, अगर चेंज ज़्यादा होता है, 30 का जो चेंज है वो ज़्यादा है, तो उस केस में हम नोटेशन यूज करते हैं डी। क्लियर है? अगर मान लो तो चेंज इन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हमने एक्स लिख दिया और चेंज के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं नोटेशन डेल्टा। क्लियर है? अगर अपना जो चेंज है वो बहुत स्मॉल होता है, लाइक सपोज दैट दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर इनिशियल केस में डिस्टेंस है 50 मीटर और फाइनली जो डिस्टेंस है वो है 50.001, तो देखो इस केस में जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में जो चेंज हुआ है तो ये बहुत स्मॉल चेंज है। तो इस केस में हम डेल्टा की जगह पे डी यूज करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, 001 - 50, तो दैट्स कम्स 0.001। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, अगर चेंज बड़ा होता है तो उस केस में हम डेल्टा यूज करते हैं, अगर चेंज स्मॉल होता है तो उस केस में हम डी यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे डिफ्रेंसिएशन की। तो देखो, डिफ्रेंसिएशन होता है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होता है। अगर चेंज बहुत स्मॉल हो उसी केस में हम डेरिवेटिव काम में लेते हैं। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। सपोज दैट हमने लिखा dy by dt, तो ये होगा चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू t, मतलब y जो है इसमें t के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, तो उसको हम लिखेंगे dy by dt, या इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t फॉर टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये है स्टैंडर्ड नोटेशन डेरिवेटिव का। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, लाइक dy by dx। तो dy by dx को हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? मतलब x के रिलेटिव में y में कितना चेंज हुआ है। ध्यान रहे, ये जो चेंज है स्मॉल चेंज के लिए हम डेरिवेटिव काम में लेते हैं। क्लियर है? ओके। अगर हमने ऐसा लिखा है dx by dt, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x, ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन की फॉर्म है dy by dx या dx upon dt या फिर dy by dt। तो इस टाइप से हम डेरिवेटिव को लिखते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना स्मॉल चेंज हुआ है। क्लियर है? तो उस केस में हम डेरिवेटिव काम में लेते हैं। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव हम जब कैलकुलेट करते हैं, तो
उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अपने को पता होने चाहिए। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन, एक एक रूल को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल है, या हेडिंग अपनी रूल्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव, फाइंडिंग डेरिवेटिव। तो रूल नंबर फर्स्ट है, रूल फर्स्ट ये है, डेरिवेटिव ऑफ ए कोस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट एज जीरो। मतलब कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डेरिवेटिव में हम चेंज ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो चेंज अगर हो ही नहीं रहा है, क्वांटिटी अपनी कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो। तो रूल बन गया अपना डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। जो कोई भी कॉन्स्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। क्लियर है कि नहीं? डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में कोस्टेंट का, तो कितना आएगा, जीरो। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि कोस्टेंट है इसका मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब डेरिवेटिव जीरो है, क्योंकि डेरिवेटिव चेंज को ही बताता है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट रूल है अपना। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक डेरिवेटिव फाइंड करो आप एट का। देखो एट एक कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ √3। तो √3 इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, तो इसका भी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इसका डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये भी अपना जीरो आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद रूल सेकंड हम डिस्कस करते हैं। तो रूल सेकंड है रूल ऑफ पावर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल सेकंड। इसको हम रूल ऑफ पावर बोलते हैं। रूल ऑफ पावर का मतलब ये है, अगर अपने को एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो एक्स की पावर एन है, इसमें जो एन है ये आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर को हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले पावर एन थी तो अब हो जाएगा एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्स की पावर एन का हो गया एन, मतलब जो पावर था वो आगे आ गया और एक पावर हमने कम कर दी है, तो हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई डेरिवेटिव फाइंड आउट करो एक्स की पावर 5 का, तो देखो यहाँ पर एक्स की पावर एन उस वाली फॉर्मेट में है ये, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो डेरिवेटिव जो है इसका 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन, तो हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4। मतलब क्या है, जो पावर है वो तो आगे आ गई है और एक पावर कम हो गई है, 5 की पावर अब 4 हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपसे कोई पूछता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर -2, तो देखो जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा -2 और एक पावर को कम कर दो, तो -2 -1, तो दैट इज -2 एक्स टू पावर -3। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, -2 एक्स की पावर -3 है, उसको जब हम नीचे लाएंगे तो +3 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपसे अगर कोई पूछता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम देखेंगे डी बाई डी एक्स किसका करना है अपने को डेरिवेटिव, 1/x का। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस एक्स की पावर यहां पर 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर -1। क्लियर है भाई? अभी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मेट ही हो गया, जिसमें जो पावर है उसको हम आगे ले आएंगे और एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 में -1 और करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो
तो इसको हम ले सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स की पावर नेगेटिव टू है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है कोस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। रूल थर्ड दैट इज कोस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। तो सपोज दैट अपने को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। किसका करना है? तो हम कर रहे हैं सी इंटू यू, वेर यू कोई वेरिएबल है जो एक्स पर डिपेंड करता है और सी यहाँ पर कोस्टेंट है। तो इस कोस्टेंट को हम इस डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा सी, और इसको लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है? तो अगर कोई भी कोस्टेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई में है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं डेरिवेटिव से। तो इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखो, आपसे कोई पूछता है डी बाई डी एक्स टू एक्स की पावर थ्री, मतलब आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है टू एक्स की पावर थ्री का, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे जो टू है ये कोस्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कोस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो मत कर देना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अकेला कोस्टेंट होता तो ये जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस टू को तो हम बाहर निकाल देंगे और इसको लिख देंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर थ्री। अब एक्स की पावर थ्री का तो अपने को करना आता है, पावर रूल से कर देंगे इसको। देखो टू को हमने एज इट इज रखा, डिफ्रेंशिएट करना है अब अपने को एक्स की पावर थ्री का। तो देखो पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन दैट इज टू, मतलब एक पावर कम हो गई तो हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इस टाइप से हम कोस्टेंट मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो अपने को डेरिवेटिव पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो देखो टू यहां पर कोस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल देते हैं हम। इसको लिख लेंगे डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर टू को ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव टू हो जाएगी, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर नेगेटिव टू। अब पावर रूल से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये सॉरी टू और चल रहा है यहाँ पर टू। तो एक्स की पावर माइनस टू का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री, एक कम होगी पावर, तो ये हो जाएगा अपना टू इंटू टू दैट इज फोर एक्स की पावर नेगेटिव थ्री, दैट इज आंसर। बाकी जो रूल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।